नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ठाकुर कैनल पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ठाकुर कैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला आपको कि अगर आपके पास में स्पिट्स है, इंडियन स्पिट्स है या कल्चर पॉम है या इस टाइप की कोई भी छोटी ब्रीड है, तो उसके लिए जो होममेड फूड है वो क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं मेरा टॉम, फिलहाल मैं इसमें इसको रखता नहीं हूँ, आज मैंने ऐसे वीडियो बनाने के लिए रखा हुआ है इसको, कोई ये ना समझना कि मैं इसमें यहाँ पर पैर रखता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर डॉग फूड दे सकते हैं आप तो आप दे सकते हैं, बाकी एक डाइट आप डॉग फूड दे सकते हैं मतलब एक टाइम पे, और दूसरे टाइम पे आप दे सकते हैं घर का बना हुआ खाना। तो बेसिकली घर के बने हुए खाने में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि चावल के साथ में दही अगर हो या मट्ठा हो, या अगर आप चाहें तो एग हो, बॉयल एग हो, वो यूज़ कर सकते हैं आप, और सुबह टाइम दे सकते हैं बाकी, या फिर रात में भी दे सकते हैं, जो भी आपको मतलब बेटर लगे। अगर आपको सुबह कहीं निकलना है तो आप डॉग फूड दे दीजिए, बाकी अगर आपके पास वह शाम को टाइम हो तो फिर जो मैंने बताया वो बना के आप खिला सकते हैं। इसके अलावा रोटी के लिए मैं मना करूँगा आपको, रोटी बेसिकली कम दे सकते हैं आप इनको, क्योंकि रोटी में ग्लूटेन होता है जो डॉग को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप दे सकते हैं ओट्स, दे सकते हैं दलिया, दे सकते हैं, और डॉग फूड अगर आप दे रहे हैं तो दे ही सकते हैं। बाकी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मल्टीविटामिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह चला रहे हैं और फर के लिए फर्ग्लो या क्या बोलते हैं न्यूट्रीकोट वगैरह चला रहे हैं तो फर भी अच्छा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें डाइट पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, और जिनके पास में डॉग्स हो, इंडियन स्पिट्स या कुछ भी छोटी ब्रीड हो के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।